व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी इस न्यू वीडियो में। और आज इसी वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही अलग चीज़ के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आजकल टोटल हर जगह किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर हर जगह फेसबुक तो आजकल वैसे कोई चलाता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, हैशटैग स्ट्रीट वेयर। और हर जगह हर बंदा ये मतलब ये वाला हैशटैग यूज़ कर रहा है, बट किसी को इतना ज़्यादा पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। आज इस वीडियो में टोटली स्ट्रीट वेयर के ऊपर बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ स्ट्रीट वेयर, क्या चीज़ है स्ट्रीट वेयर, फैशन क्या है, ये कब से कैसे चालू हुआ, तो इस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हिप हॉप नहीं होता तो स्ट्रीट वेयर फैशन भी नहीं होता। बिकॉज 1980 से पहले जब हिप हॉप चलता था तो उस टाइम पे वो जो सिंगर्स हैं, जो रैपर्स हैं, वो पसंद करते थे हिप हॉप फ्री स्टाइल कपड़े पहनने, यानी एक्स लार्ज साइज़ की टी शर्ट हाफ एंड कैप्स हैट्स वगैरह उन वो पसंद करते थे। तो इस वजह से 1990 के बाद से ही स्ट्रीट वेयर ज़्यादा पॉपुलैरिटी में है। उससे पहले भी स्टार्ट थी 1980 में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा 1990 के बाद शुरू हुआ स्ट्रीट वेयर फैशन। और स्ट्रीट वेयर फैशन नॉर्मली बोलते हैं जो हम नॉर्मल कैजुअल कपड़े पहनते हैं, हैट्स टी शर्ट्स। अगर हम स्ट्रीट वेयर की बात करें तो सबसे जो इंसान को अलग करना चाहिए, सबसे अलग करना चाहिए, अगर मैं भारत में रह रहा हूँ तो मुझे एक अपनी खुद की अलग एक पहचान बनानी चाहिए, मुझे एक अपना खुद का एक फ़ैशन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई वर्ड सुन लिया है कि स्ट्रीट वेयर तो 24 घंटे मैं उसी चीज़ के पीछे पड़ा हूँ कि बस स्ट्रीट वेयर फोटोग्राफी और लो लाइट फोटोग्राफी, मॉडलिंग फ़ोटोशूट, वही मूडी टाइप के मैं फ़ोटोशूट करता हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत अलग करो। ठीक है, एक हद तक कि हमने एक या दो बार या 10-15 बार स्ट्रीट वेयर फैशन से इंस्पिरेशन ली, इसके अलावा हमें खुद का करना चाहिए, हमें इंडियन स्ट्रीट वेयर स्टार्ट करना चाहिए, कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए, कुछ अपने तरीके से इंडियन क्लॉथिंग, जो एथनिक वेयर्स हैं हमारे। स्ट्रीट वेयर की जो सबसे पहली शुरुआत है वो न्यूयॉर्क सिटी से हुई थी, यानी कि बाहर से हुई थी। और हमारा जो कल्चर है, जो हमारी ड्रेसिंग है, जो हमारी आउटफिट है, वो बहुत ही अल्टीमेट होती है। जो हमारे एथनिक वेयर्स हैं, कुर्ता पजामा या फिर और भी काफ़ी, तो हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका अलग होता है। अगर हमें रिप्रेजेंट करना है अपने कंट्री को तो हमें अपने कंट्री का ही कुछ फैशन बनाना पड़ेगा, जो कि बाहर के बंदे भी देख के गए कि हाँ वाकई में कुछ फैशन है। क्योंकि इटली का फैशन अलग है, US का अलग है, इसके अलावा जर्मनी का अलग है, न्यूयॉर्क का अलग है, सब जगह का फैशन अलग है और हमारे भारत का अलग है। तो उस लेवल तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही चीज़ को पकड़ के रखो। मैंने काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे ऐसे हैंडल देखे हैं खुद अपने दोस्तों के, जो जिन्हें पता चला है कि बस वो स्ट्रीट वेयर है और वो उस चीज़ के पीछे पड़ गए हैं, हाथ धो गए। मूडी टाइप का एक फ़िल्टर आता है अडोब फोटोशॉप में, और अपनी हर फोटो में, हर फोटोशूट में वो मूडी टाइप का फ़िल्टर लगा रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस नॉर्मली। तो इसलिए एक चीज़ की, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक हद होती है। इस वीडियो के ज़रिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वो स्ट्रीट वेयर उन्होंने शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप स्ट्रीट वेयर पे करोगे, फॉर्मल कपड़े पहन सकते हो यार, कुछ अलग कर सकते हो, इंडियन एथनिक वेयर्स पहन सकते हो, इतने अच्छे अच्छे चलते हैं। तो किसी एक चीज़ को पकड़े रहना सही नहीं है, गलत नहीं है यार, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। मॉडलिंग फ़ोटोशूट में स्ट्रीट वेयर भी ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टोटली वो ही चलता जाए सीरीज़ में। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अपने आप को बदलो, अपने देश को रिप्रेजेंट करो, और यहाँ के जितने भी मॉडल्स हैं वो अपने आप को बूम करो। बूम करने का मतलब ये है कि हम अगर कुछ ऐसा फैशन करें, देखो यार, जब बाहर के जो मॉडल्स हैं, मैग्नोस के वो ओड्रे लुंडा, इसके अलावा आर्टूर फिट, जब ये कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे भारत के लोग भी इंस्पिरेशन लेते हैं। तो कुछ ऐसा हमें करना चाहिए कि हमसे इंस्पिरेशन बाहर के बंदे लें। तो इस टाइप में अपनी फ़ोटो शूट करो और सबसे अलग करो। मोडी वोडी वगैरह वाला फ़िल्टर बिल्कुल भी मत लगाओ कृपया करके, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है। 2018 तक लास्ट था वो, ठीक था, अब बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। और अगर आप फ़ोटोशूट की हम बात करें तो फ़ोटोशूट बस क्लिक करो, एडिटिंग भी ज़्यादा नहीं करो, बस नॉर्मली रखो, वो सब कुछ सही है। तो स्ट्रीट वेयर के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक हद तक ठीक है, लेकिन अपने कल्चर को, अपने भारतीय कल्चर को या फिर अपने इंडियन एथनिक वेयर्स को नहीं भूलो। उसमें
उसके साथ भी फोटोशूट्स लो, और अगर आपको बाहर के बंदे फॉलो करते हैं तो वो भी देखेंगे, शायद वो भी आपसे इंस्पिरेशन ले सकें। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।